नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग को बताएंगे महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ का पिच रिपोर्ट, पूरा पिच डिटेल देंगे, क्योंकि जो अगला मुकाबला है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का, वो मुकाबला वहां खेला जाएगा और पंजाब का होम ग्राउंड है और वहां पहली बार आईपीएल मैच खेला जाएगा। इससे पहले वहां आईपीएल मैच नहीं खेला गया है, तो पूरी डिटेल आप लोग को देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को मिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं, उसके बाद पिच रिपोर्ट के बारे में पूरा आप लोग को डिटेल देंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है वो आप लोग को क्या देखने को मिलेगी। तो प्लेइंग 11 में आप लोग को पंजाब किंग्स की तरफ से शिखर धवन देखने को मिलेंगे, जो कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जॉनी बैरिस्टर देखने को मिलेंगे, फिर प्रभा शिवरन सिंह देखने को मिलेंगे, लैंड स्टोन देखने को मिलेंगे, जितेंद्र शर्मा देखने को मिलेंगे, सैम करन देखने को मिलेंगे, हरप्रीत बुमराह देखने को मिलेंगे, कागेश्वर रबाडा देखने को मिलेंगे, हरदीप सिंह देखने को मिलेंगे, राहुल चहर देखने को मिलेंगे, हर्षल पटेल देखने को मिलेंगे। ये पंजाब की टीम से आप लोग को प्लेयर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, आप लोग को पृथ्वी शॉ देखने को मिलेंगे, डेविड मिलर देखने को मिलेंगे, मिचेल मार्श देखने को मिलेंगे, ऋषभ पंत जो कैप्टन है वापस आ चुके हैं ये देखने को मिलेंगे, और ट्रिस्टन स्टब्स देखने को मिलेंगे, ललित यादव देखने को मिलेंगे, अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे, कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे, मुकेश कुमार देखने को मिलेंगे, खलील अहमद देखने को मिलेंगे और एनरिक नोखिया देखने को मिलेंगे। ये जो प्लेयर है दोनों टीम की प्लेइंग 11 जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैसे चलिए अब आप लोग को पिच डिटेल देते हैं, पिच रिपोर्ट देते हैं। वहां तो पहले आईपीएल का मुकाबला नहीं खेला गया है, लेकिन फिर भी वहां T20 का आंकड़ा क्या है और वहां किस प्रकार से मुकाबले हो सकते हैं, चलिए पूरी डिटेल देते हैं और आप लोग को बताते हैं। महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लानपुर चंडीगढ़ में टोटल जो मुकाबले खेले गए हैं, टोटल T20 मुकाबले अभी तक जो डोमेस्टिक मुकाबले खेले गए हैं, वहाँ डोमेस्टिक ही मुकाबले खेले गए, 23 मुकाबले खेले गए, ठीक है। टोटल जो मुकाबला है वो 23 मुकाबला वहाँ पे खेला गया है, और 23 मुकाबले में जो पहले बल्लेबाजी टीम ने की है फर्स्ट बैटिंग, ठीक है, फर्स्ट बैट में जो टीमें जीती है, टोटल 15 मुकाबले जीती है फर्स्ट बैटिंग में, ठीक है, पहले बल्लेबाजी करते हुए। और वही सेकंड में बल्लेबाजी करते हुए जो टीम जीती है वो 8 बार जीती है, 15 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती है और 8 बार जो है वो सेकंड टाइम मतलब बल्लेबाजी करते हुए जीती है। यहाँ यानी जो भी टीम टॉस जीतती है वो बल्लेबाजी की ओर जाती है, वो बल्लेबाजी करती है, यहाँ जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके फेवर में मुकाबला चला जाता है, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी जो टीम पहले करती है उसके जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ का जो रिकॉर्ड है, स्टेट्स क्या है। देखो यहाँ मतलब जो हाईएस्ट रन बने हैं वो 283 रन बने हैं, 238 रन बने हैं, ठीक है, 238 रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पे, 238 रन जो है यहाँ हाईएस्ट बना है। और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट यहाँ जो रन बना है वो 53 बना है, 53 रन ऑल आउट, ठीक है। तो हाईएस्ट 238 रन बना है और लोवेस्ट 53 रन बना है। वैसे ये जो पिच है ये बल्लेबाजी पिच है, लेकिन यहाँ कभी कभी गेंदबाजों को भी मौका मिल जाता है और गेंदबाज भी विकेट ले लेते हैं, तो यहाँ जो है वो रन तो बनते ही है प्लस विकेट भी ज़्यादा मिलते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं यहाँ किसको ज़्यादा मदद मिलता है, फास्ट गेंदबाज को या फिर जो स्पिन गेंदबाज हैं उनको। बाकी बात आपको पूरा डिटेल देंगे कि दोनों में से किनका किनका पलड़ा भारी है और दोनों के बीच कितने मुकाबले हुए हैं, तो वो भी आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड बता देते हैं, पंजाब किंग्स और दिल्ली के बीच जो टोटल मुकाबले हुए दोनों के बीच जो है 32 मुकाबले हुए, 32 में जो है 16 मुकाबला पंजाब जीता है और 16 मुकाबला दिल्ली जीता है, ठीक है, ये दोनों के आंकड़े हैं, ये दोनों के आंकड़े। लेकिन अगर हम पिछले 8 मुकाबले में चले जाएं, अगर हम पिछले 8 मुकाबले में चले जाएं, तो पिछला 8 या 6 पिछला 6 मुकाबले में अगर हम चले जाएं, तो पिछला 6 मुकाबले में पंजाब ने दिल्ली से मात्र एक मुकाबला जीता है, 5 मुकाबला जो है वो दिल्ली ने जीता है। पिछला अगर हम 6 मुकाबला देखें, तो अभी आईपीएल 2023 और आईपीएल 2022 और आईपीएल 2021 में अगर हम मुकाबला देखें तो पंजाब का पलड़ा काफ़ी नीचे है, दिल्ली का पलड़ा काफ़ी ऊपर है। तो पिछला 6 मुकाबले में पंजाब एक मुकाबला जीता है, दिल्ली 5 मुकाबला जीता है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है। उसके बाद हम आते हैं हेड टू हेड, बता दिया वैसे दोनों के बीच जो मुकाबला टोटल हुआ है हेड टू हेड 32 मुकाबले हुए जिसमें से दोनों का 16-16 है, लेकिन पिछला 6 मुकाबले में हम जाएँ तो दिल्ली 5 मुकाबला जीता है और पंजाब एक मुकाबला जीता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर जो है वो चलता है दोनों के खिलाफ, और दोनों के खिलाफ कौन सा प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कौन सा गेंदबाज जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ये डिटेल देंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना क्योंकि ये मेन डिटेल है, ठीक है, ये मेन डिटेल है। तो वार्नर जो है, डेविड वार्नर जो है ये हमेशा फिक्स है इनका, पंजाब के खिलाफ इनका जो परफॉर्मेंस होता है बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। डेविड वार्नर हमेशा पंजाब के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं जो इधर से जो हरप्रीत बुमराह फिर दिल्ली के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत ही अच्छा विकेट लेते हैं, हमेशा 4 छक्के लगाते हैं।
वहीं जो लिविंगस्टोन है, लिविंगस्टोन भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दिल्ली के खिलाफ। सैम करन भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दिल्ली के खिलाफ। जितेश शर्मा का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है दिल्ली के खिलाफ। ठीक है, ये सारा हो गया। इधर से हम लें तो इधर से अक्षर पटेल, अक्षर पटेल का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अक्षर पटेल का आंकड़ा काफी अच्छा है, पृथ्वी शॉ का फिर आंकड़ा बहुत ही अच्छा है पंजाब के खिलाफ। ठीक है, गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में आ जाते हैं नौखिया आ जाते हैं और साथ में कुलदीप यादव आ जाते हैं। ये दोनों मतलब कितना प्लेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यार आप लोग 11 प्लेयर बनाते हो, 11 में तो 9 प्लेयर मैंने बता दिया कि दोनों के खिलाफ किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये जो कुछ प्लेयर है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, जैसे कि एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कि मैंने डेविड वार्नर बताया, डेविड वार्नर हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं पंजाब के खिलाफ, और वहीं लिविंगस्टोन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दिल्ली के खिलाफ, जितेश शर्मा काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सैम करन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हरप्रीत बरार काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और इधर से अगर हम लेने जाए तो इधर से हमने अक्षर पटेल को ले लिया, इधर से हमने नोखिया को ले लिया, कुलदीप यादव को ले लिया, डेविड वार्नर को ले लिया। ये सारे प्लेयर जो वो दिल्ली के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग को बताते हैं और डिटेल में। यहाँ राहुल चहर भी अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं दिल्ली के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए आगे और डिटेल आप लोग को देते हैं कि जो पिच है, पिच का गेंदबाजी पिच है या बल्लेबाजी पिच है, पिच के बारे में पूरा अच्छे से आप लोग को डिटेल देते हैं। ठीक है, तो पिच में मतलब कि किस किस गेंदबाज को ज़्यादा मदद मिलता है, चाहे स्पिन गेंदबाज को ज़्यादा मदद मिलता है या फिर जो फास्टर होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलता है। देखो वैसे मदद तो दोनों को मिलता है, विकेट तो दोनों को मिलता है, लेकिन जो मीडियम पेसर को स्पिन के मुकाबले यहाँ ज़्यादा विकेट मिलते हैं। जो मीडियम पेसर है वो ज़्यादा विकेट लेते हैं स्पिन के खिलाफ। ठीक है, ये जो पिच है वो मीडियम पेसर का पिच है और पिच में जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वैसे अगर हम दिल्ली और अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो दिल्ली ने जो हाईएस्ट रन बनाए हैं पंजाब के खिलाफ 231 रन बनाए हैं, 231 रन दिल्ली ने बनाए हैं पंजाब के खिलाफ, और वहीं पंजाब ने हाईएस्ट दिल्ली के खिलाफ 202 रन बनाए हैं। कितना रन बनाए, 202 पंजाब ने दिल्ली के खिलाफ कितना, 202 रन हाईएस्ट बनाए और दिल्ली ने 231 रन हाईएस्ट बनाए। और वहीं अगर हम लोवेस्ट में जाएं तो लोवेस्ट जो है 67 रन है, दिल्ली ने 67 रन कम से कम जो लोवेस्ट 67 बनाया है पंजाब के खिलाफ, और पंजाब ने जो लोवेस्ट बनाया है दिल्ली के खिलाफ वो 104 रन। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर दूँ, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके आप लोग को दिखा देता हूं। ठीक है, आप लोग ये देखो 67 रन जो है वो दिल्ली ने बनाया है पंजाब के खिलाफ कम से कम, और पंजाब ने 104 रन बनाए। अब कैमरा भाई मैं कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, ये ज़्यादा नीचे मैंने लिख दिया, तो ये भी चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखो दिल्ली का जो पलड़ा है वो पंजाब पे भारी है, और जो मुकाबला होगा 23 मार्च को मुकाबला होगा, तो इसमें जो जीतने के चांसेस हैं वो दिल्ली के 90% चांस हैं, 90% जो चांस हैं वो दिल्ली के जीतने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट पे। पिच रिपोर्ट का तो देखो यहाँ पे ज़्यादा आईपीएल का मैच हुआ नहीं है, यहाँ तो डोमेस्टिक मुकाबले हुए हैं इसलिए पिच रिपोर्ट उतना तगड़ा तो नहीं है जितना हर बार होता है, लेकिन छोटा से छोटा डिटेल मैं लेके आता हूँ, इसलिए मैंने दोनों टीमों की छोटा से छोटा डिटेल आप लोग को बता दिया। ठीक है, दोनों टीमों की जो डिटेल थी वो मैंने आप लोग को बता दी। अब पिच रिपोर्ट पे आते हैं। यहाँ देखो एक भी आईपीएल मुकाबला खेला नहीं गया है, पहली बार आईपीएल मुकाबला खेला जाएगा, तो यहाँ जब जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो ये धुआंधार रन बनाएगी भाई, ये रन बनाने वाली है, अच्छा खासा रन बनाने वाली है। जीतने के चांसेस जो है वो दिल्ली के ज़्यादा हैं पंजाब के सामने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो मतलब बल्लेबाजी का जो एवरेज है, फर्स्ट बल्लेबाजी का जो एवरेज 148 रन है फर्स्ट में, और सेकेंड में 116 रन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ एवरेज से ही समझ सकते हो कि जो टीम यहाँ पहले बल्लेबाजी करती है वो ज़्यादा रन बनाती है और सेकेंड टाइम में बहुत ही कम रन बनाती है, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज में ही आप लोग देख लो। और फर्स्ट इनिंग में जो है, फर्स्ट इनिंग के जो विकेट गिरने के चांसेस हैं, 7 विकेट गिरते हैं फर्स्ट इनिंग में, 7 विकेट, और लगभग सेकंड इनिंग में बात की जाए तो सेकंड इनिंग में भी लगभग इतना ही है, 8 विकेट मान लो, तो सेकंड इनिंग में विकेट गिरते हैं। फर्स्ट इनिंग में जो विकेट का एवरेज है वो 7 विकेट लगभग गिर जाता है फर्स्ट इनिंग में इस पिच पे, महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो पंजाब का होम ग्राउंड है। ठीक है, पंजाब का होम ग्राउंड है, पहली बार पंजाब किंग्स यहाँ जो है वो खेलेगी और यहाँ पहली बार आईपीएल का मुकाबला होगा। तो ये देखो छोटा से छोटा जो डिटेल था वो मैंने आप लोग को निकाल के दिया। अगर कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वो मैंने प्लेयर भी बता दिया कि कौन सा प्लेयर दोनों टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कौन सा गेंदबाज जो है, गेंदबाज में आप लोग को राहुल चहर हैं, हरप्रीत बरार हैं, सैम करन हैं,
ये तीन जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दिल्ली के खिलाफ। और दिल्ली की तरफ से देखा जाए तो अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं और साथ में मुकेश कुमार भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये तीनों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं पंजाब के खिलाफ। ठीक है, बल्लेबाज में हम देखना चाहें तो बल्लेबाज में आपके हो गए परमसिमरन सिंह हो गए, लैम लिविंगस्टन हो गए, जितेश शर्मा हो गए और सैम करन तो ऑलराउंडर में आते हैं, इनको भी ऐड कर लो। ये चार को मैं ले लेता हूँ। और इधर से देखा जाए तो डेविड वार्नर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, पृथ्वी शॉ का अच्छा परफॉर्मेंस है इनके खिलाफ। अक्षर पटेल भी अगर बल्लेबाजी करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये तीन बल्लेबाज जो है दिल्ली के वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं पंजाब के खिलाफ। ठीक है, तो ये प्लेयर रेशियो भी मैंने बता दिया कि दोनों के बीच, और हेड टू हेड भी बता दिया और साथ में पिछला 6 मुकाबले में किसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी बता दिया। तो मेरे ख्याल से इस पिच रिपोर्ट में जितना इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आप लोगों को दे दिया। और आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टीम का, ये तो पिच रिपोर्ट का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो अपना टीम बनाते हो वो 11 प्लेयर कौन से बिल्कुल मुख्य प्लेयर होंगे। वैसे इसमें तो मैंने काफ़ी सारा हिंट्स दे रखा है आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से जो प्लेयर हैं वो मुख्य होंगे। ठीक है, तो चलो आज के बस इतना, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय जय भारत।